हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ जोस्ना और इस किचन जोस्ना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सेम की सब्ज़ी। सो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फास्ट से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं गाइस। सो देखिए, यहाँ पर मैं 500 ग्राम सेम ली हूँ। तो चलिए उसे साफ़ कर लेते हैं, जो तार टाइप का निकलता है उसके वजह से साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं साफ़ करके कट कर ली हूँ गाइस। यहाँ पर एक बड़ा सा आलू ली हूँ जो कि छिलका को साफ़ कर ली हूँ, और बैगन एक ली हूँ जो भी इसे बड़े बड़े पीसेज में कट कर ली हूँ। तो चलिए मसाले रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी राई ली हूँ, 4 सूखी मिर्च ली हूँ, अदरक लहसुन और जीरे को थोड़ी सी भून भी ली हूँ। तो इसका एक मसाला बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह का मैं पेस्ट बना ली हूँ। तो एक कढ़ाई ले ली हूँ, देखिए गाइस, गैस की फ्लेम को ऑन कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डाली हूँ सरसों का ऑयल, और इसे लंबे लंबे पीसेस में स्लाइस कट करके एक अनियन को डाली हूँ, देखिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और थोड़ी सी कलर चेंज होने तक हमें भूनना है, अच्छे से मिक्स कर देना है गैस, और कलर चेंज होने तक भूनना है। तो देखिए, कलर चेंज हो चुकी है हमारे अनियन की। तो हमें जो भी हमने मसाले रेडी करके रखे थे उसको डाल देना है गाइस, और अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अभी मैं डालूँगी क्वांटिटी के अनुसार टर्मेरिक पाउडर, क्वांटिटी के अनुसार नमक भी डाल दूँगी। अभी देखिए, अच्छे से मैं डाल दी हूँ जितना चाहिए हमें, और अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले में सबको। अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं, देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है, और हमें मीडियम फ्लेम में 5 मिनट हमें पकाना है मसाले को। तो अभी मैं कवर कर लेती हूँ और 5 मिनट बाद फिर देखती हूँ। तो देखिए, 5 मिनट हो गई है, मसाले में कितने अच्छे से कलर आई है, देखिए ऑयल भी ऊपर आ रही है। तो मसाले थोड़ा रेडी हो चुके हैं, देखिए। अभी एक बड़ा सा टमाटो को मैं इसे स्लाइस कर करके डाल दे रही हूँ, देखिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हुए तब तक हमें ढक के पका लेना है। तो देखिए, 2 मिनट के बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ, और टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है मसाले में से, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसको। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है और सूखी बन गई है, मतलब पूरी तरीके से मसाले रेडी हो चुके हैं गाइस। अभी हमें जो आलू को कट करके रखी है उसको डाल देना है पहले, उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके हमें फिर से ढक के इसे 2 मिनट करीबन पकाना है। तो देखिए, 2 मिनट हो गई है गाइस, फिर से मैं चेक कर रही हूँ कितनी अच्छी से, देखिए मसाले से मिक्स हो गई है। अरे, मिनिमम 30% तक पक गए हैं, ज़्यादा नहीं पकाई हूँ मैं। अभी हम जो सेम और बैगन को रखे हैं कट कर, उसे भी डाल देना है, और अच्छे से मसाले में से मिक्स कर देना है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैं मिक्स कर दी हूँ अच्छे से, सबको ढक के पका लेते हैं 5 मिनट करीबन। तो देखिए, 5 मिनट के बाद फिर से मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू कर दिए हैं सेम से, और आलू और जो बैगन में से कितने अच्छे से बने हैं, देखिए गाइस, इस तरह से बनाना है हमें। सूख गई है, पानी निकल के भी सूख गई है। अभी थोड़ा सा पानी डाल देना है हमें, जितना चाहिए उतना पानी डाल देना है। आप चाहे तो सूखे सब्जी बना सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, तो आपके हिसाब से आप पानी डालिए। मैं थोड़ा सा उसे सूखी सब्जी टाइप का बनाऊंगी, तो कम पानी डाल रही हूँ। अभी हमें ढक के पका लेना है 50 मिनट करीबन,
मीडियम फ्लेम में रखना है गैस को भी। तो देखिए रोटी में कभी मैं चेक कर रही हूँ तो पानी सूख गई है, देखिए थोड़ा थोड़ा है। अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, अच्छे से मसाले भी अब्जॉर्ब हो चुके हैं सब सब्जी में। तो अभी मैं डाल दूँगी जो गर्म मसाले होता है, आधा चम्मच से भी कम डाली हूँ मैं खड़े मसाला, उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए इस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ मैं अच्छे से, और 2 मिनट करीबन ढक के पका लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सब में। तो 2 मिनट हो गई है गाइस, देखिए अच्छे से उबाल भी आ चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं। तो फाइनली रेडी हो चुकी है हमारी सेम की सब्जी। अभी थोड़ा सा धनिया पत्ते गार्निश कर लेते हैं बहुत सारा। तो उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं गाइस, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है गाइस। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए, फैमिली फ्रेंड्स आप जरूर शेयर करिए गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय।